परमाणु में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसमें वो व्यक्ति भी शामिल हैं जो रात के समय नियमों को ताक पर रखकर पैदल ही अपने घरों को जा रहे थे, ताकि किसी भी तरह से हिमाचल में कोरोना का संक्रमण ना फैले। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति क्वारंटाइन किया गया था, वो व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाता हुआ क्वारंटाइन सेंटर से ही भाग गया, जिसको लेकर अब पुलिस चौकन्नी हो गई है और उसकी तलाश की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर परमाणु से शिकायत मिली है कि वहां क्वारंटाइन में रखा एक व्यक्ति चादर की रस्सी बनाकर केंद्र से भागने में कामयाब हो गया, जिसको लेकर सीमाओं पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भागा गया युवक मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है, इसलिए परमाणु की जनता से वे आग्रह करते हैं कि अगर उनके आसपास कोई व्यक्ति अनजान दिखता है तो उसकी सूचना पुलिस को जल्द दें। 20 तारीख को मिस्टर कैलाश दत्त हैं, जो परमाणु में एक क्वारंटाइन सेंटर है हिमुडा का, उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई है परमाणु थाना में कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद है, इसको इस क्वारंटाइन सेंटर में 24 अप्रैल को रखा था और ये 29 तारीख की रात को, 2:30 की रात को मॉर्निंग में लगभग 4 बजे अपने कमरे से भाग गया है। इस पे जो है पुलिस ने 188 में केस दर्ज किया है इस व्यक्ति के खिलाफ और इसकी तलाश जारी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इसके जो भी फोटोग्राफ्स है वो हट जाने, क्योंकि वहाँ दूसरे स्टेट के साथ भी बॉर्डर लगता है, वहाँ पे भी दिए गए हैं, उनको भी दिए गए हैं और इसके सारे जो कंसर्न SPs और SHOs हैं उनको इसको जो है फोटो को फॉरवर्ड किया गया है डिस्ट्रिक्ट SPs को और जल्द ही ये व्यक्ति जो है मिल जाएगा। थोड़ा ये भी पता चला है कि ये हल्का सा मानसिक रूप से परेशान था। मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप इस तरह के व्यक्ति को कहीं पाते हैं तो आप पुलिस को तुरंत सूचित करें।